स्वागत है आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में डायरेक्टली पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉन्डेक्स के बारे में। बॉन्डेक्स में बहुत सारे अपडेट आ गए हैं केवाईसी से रिलेटेड। तो केवाईसी में क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, विड्रॉ के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये आपको आज के वीडियो सेशन में समझा दिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं मरीना प्रोटोकॉल में। मरीना प्रोटोकॉल में अब केवाईसी और टोकन जनरेशन इवेंट की बात चल रही है, तो इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको समझ लेना चाहिए। तो आज पूरी डिटेल इस पर भी हम बात कर लेंगे। और उसके बाद में हम बात करने वाले सतोशी ऐप में माइनिंग खत्म हो चुकी है, ओजी टोकन्स की माइनिंग खत्म हो चुकी है, तो एड्रेस कैसे बाइंड करना है, कौन सा वाला बाइंड करना है, इस पर आज हम चर्चा कर लेंगे। स्वागत है आप सबका आपका चैनल यू क्रिप्टो, क्रिप्टो की दुनिया, फ्री माइनिंग की दुनिया। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने फॉलोअर्स बेल आइकन ऑल सेट पर दबा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सतोशी ऐप में जो लोग माइनिंग कर रहे थे ओजी टोकन्स, अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू होने वाला है, अभी इसका बाइंडिंग करना है एड्रेस। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले क्वेश्चन था क्या हम ओपन एक्स से इसका एड्रेस डाल दें, ओपन एक्स ऐप से इसका एड्रेस डाल दें। नहीं दोस्तों, ओपन एक्स सेपरेट है, ये कंप्लीटली सेपरेट है, बस हमने उसकी माइनिंग सतोशी ऐप पे की थी, वरना ये प्रोजेक्ट, ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो ओपन एक्स का एड्रेस बिल्कुल यहाँ पर डालना नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मालूम नहीं है ये टोकन जो है ओजी टोकन वहां पर आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। आ भी सकता है लेकिन रिस्क क्यों लेना है भैया, क्यों लेना है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो भी यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है, तो कौन सा एड्रेस हमको डालना है? एंश्योर टू सबमिट कोर ईवीएम एड्रेस। ईवीएम एड्रेस मतलब क्या? इथेरियम वर्चुअल मशीन। कुछ चकरा मत जाना, वर्ड सुन के घबरा मत जाना, हड़बड़ी नहीं करना। इथेरियम वर्चुअल मशीन मतलब इथेरियम का एड्रेस, ठीक है, मतलब मेटामास्क फ्रेश वॉलेट, कहीं से भी आपके पास कोर हो तो कोर का एड्रेस आपको कॉपी करना है, ठीक है, कोर का एड्रेस कॉपी करना है और वहां पर डाल देना है। दोस्तों देखो ये आज ही चालू हुआ है, 9 तारीख को चालू हुआ है और आपके पास अभी 20-22 दिन है, तो 30 तारीख तक आप कर सकते हो, तो आराम से भी कर सकते हो। लेकिन आसान है, आप लोग करना चाहते हो तो करवा लेना दोस्तों, बहुत आसान प्रोसीजर है। मैं शायद इस पर वीडियो ना बनाऊं, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग बहुत रिसेंटली यू क्रिप्टो फैमिली से जुड़े हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी बाइंडिंग की वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। वरना प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कोर का एड्रेस मेटामास्क से कॉपी कर लेना है, ऐप में जाना है, सतोशी ऐप में जाना है, ओजी पे क्लिक करना है, लिंक एड्रेस पे क्लिक करना है, वहां पर वो एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपने डाल दिया, उसके बाद में एसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, एसेट पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद में एक ओटीपी जाएगा ईमेल पर, वो ओटीपी लाकर वहां पर पेस्ट करना है। फेस वेरिफिकेशन जैसे ओपन एक्स में किया था ना, वैसे फेस वेरिफिकेशन करना है और आपका एड्रेस लिंक हो जाता है, गारंटेड हो जाता है। दोस्तों आप लोग कर पाओगे, आप लोग ट्राई कर लेना दोस्तों। और फिर एक बार बोलता हूँ, कोई नया लोग है उनको चाहिए वीडियो बनाना है तो मैं बेसिक चैनल पर जरूर वीडियो बना दूंगा, आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल देना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मरीना प्रोटोकॉल के बारे में। मरीना प्रोटोकॉल में ये अपडेट आ चुका है यहाँ पर, तो क्या अपडेट है, इन्होंने केवाईसी के बारे में उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर केवाईसी, केवाईसी की तैयारी चालू हो गई। केवाईसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन सर्वर ऑफिसेस एक ही वन स्ट्रोक में नहीं होने वाली है, टप्पे 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 में होने वाली है। एंड आफ्टर द इनिशियल केवाईसी स्टेप, पहला इनिशियल मतलब पहला स्टेप हो जाएगा केवाईसी का, द टोकन जनरेशन ऑफ द सर्व टोकन, तो टोकन जनरेशन इवेंट होने वाला है सर्व टोकन का। सर्व टोकन क्या है? द यूटिलिटी टोकन ऑफ मरीना प्रोटोकॉल विल बी लॉन्च, तो मरीना का यह यूटिलिटी टोकन है वो लॉन्च होगा पहला केवाईसी होने के बाद में। द मेन यूटिलिटी ऑफ द सर्व टोकन इज एनएफटी मिंटिंग टू प्रोड्यूस बे टोकन्स। बे टोकन्स क्या है? गवर्नेंस टोकन ऑफ मरीना प्रोटोकॉल, गवर्नेंस टोकन। तो दोस्तों देखो ये बे टोकन जो हम लोग मरीना में है, बहुत सारे लोग इसकी माइनिंग नहीं कर रहे होंगे, ये इनका गवर्नेंस टोकन है दोस्तों। गवर्नेंस टोकन मतलब क्या? ये इसमें फीस हमको लगेगी, कल को अगर आपको सर्फ विड्रॉ करना है तो फीस आपको बे टोकन में पे करनी पड़ेगी। ये टोकन कैसे जमा करना है मैं आपको ऐप में दिखा देता हूँ, आप आपका ऐप खोल लीजिए। देखो ये आपका ऐप है, यहाँ पर आप सर्फ टोकन की माइनिंग कर रहे हो, लेकिन ये बे टोकन है, पी बे टोकन है, तो ये कैसे जमा करते हो? ये सिर्फ ऐड देखकर आप जमा कर सकते हो। ऐड पे आप क्लिक कर लेते हो, एक ऐड देखना पड़ता है आपको, उतना सा ऐड देख लीजिए। ऐड देखने के बाद में, पूरी ऐड कंप्लीट होने के बाद में ऐसा टिकट आपको मिल जाएगा, उस टिकट पे आपको क्लिक करना होता है। टिकट पे आपने क्लिक कर लिया, देखो यहाँ पर एक टिकट मिल गया, यहाँ पर आप देख रहे हो एक टिकट मिल गया, उस पर उस टिकट पर आपको क्लिक करना होता है और फिर आपको बी पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। देखो अभी मेरे पास 0.001 है, मैंने क्लिक कर लिया, 0.002 टोकन्स मेरे पास हो गए। तो ऐसे आपको ये पीबी टोकन्स जमा करने होते हैं दोस्तों। आगे उन्होंने क्या लिखा, ऑफ कोर्स आफ्टर द टोकन जनरेशन इवेंट सर्वर्स विल बी एबल टू फ्रीली ट्रांसफर टोकन पॉइंट्स। अभी ये वाला पॉइंट्स है हमारे, मरीना टोकन्स नहीं है, सर्फ टोकन्स नहीं है, सर्फ पॉइंट्स है जो कन्वर्ट होने वाले हैं टोकन्स में।
तो शायद 1:10 भी रेशियो हो सकता है, 1:100 भी हो सकता है, और 1:1000 भी हो सकता है, वो आगे की बात आगे देखेंगे। उसके बाद में आगे क्या लिखा है, फॉर द इनिशियल स्टेप ऑफ केवाईसी इट विल गुड टू क्रिएट ट्विटर एंड टेलीग्राम अकाउंट। तो आपको आपका टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट बना के रखना है दोस्तों, फ्यूचर में जाके इनको फॉलो करना है, कुछ टास्क आएंगे तो हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। और आगे वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन आई है तो पढ़ना जरूरी है, इनवाइट 5 फ्रेंड्स टू ज्वाइन टू। तो आपको 5 रेफरल्स करके रखना है दोस्तों। देखो अभी ये इन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया है, अब हम इनके खिलाफ ट्विटर हैंडल पे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वाला क्राइटेरिया निकाल दो, लेकिन देखो दोस्तों ये लोग सुनेंगे नहीं। बहुत बड़ा हैंडल है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इनकी, और इसमें क्या होता है अगर आप लोग 5 रेफरल कर लेते हो दोस्तों तो क्या होगा, एट प्रेजेंट 1 मिलियन अगर इनकी कम्युनिटी है तो 5 मिलियन कम्युनिटी बन जाएगी और टोकन जनरेशन जल्दी भी हो सकता है। तो ये इनका आगे की सोच होगी, ये इनके आगे की स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन हम रिक्वेस्ट तो करेंगे कि ये वाला क्राइटेरिया निकाल दो, 5 रेफर का क्राइटेरिया निकाल दो, हम उनको ट्विटर पे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे दोस्तों। ये हो गई बात मरीना प्रोटोकॉल की। अब बॉन्डेक्स की बारी। बॉन्डेक्स में अभी एयरड्रॉप सीजन 1 चालू हो चुका है, तो एयरड्रॉप सीजन 1 में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या है, इसकी डिटेल्स इन्होंने ट्विटर हैंडल में तो नहीं डाल दिए, बस एक वीडियो डाल दिया है। तो उन्होंने टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपके सामने पढ़ लेता हूं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चंस क्या है, क्या क्या करना है इसमें सीजन 1 में, आपको क्या क्या करना है, इंस्टॉल ऐप करना है, नया वर्जन अपडेट कर लेना है, कंप्लीट प्रोफाइल करना है, रिज्यूम अपलोड करना है, उसके बाद में वॉलेट कनेक्ट करना है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, और 3 रेफरल्स करना जरूरी है, और एयरड्रॉप सीजन में पार्ट लेना है। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है। अभी देखो 3 रेफरल्स जरूरी है, यहाँ पर किसी ने तो क्वेश्चन पूछ दिया मेरे पास सिर्फ 2 ही रेफरल है, तो उनका एडमिन ने आंसर दे दिया नहीं आपको 3 करना ही है। उसके बाद में किसी ने तो क्वेश्चन पूछ लिया था केवाईसी के बारे में, अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं, तो केवाईसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है बॉन्डेक्स में। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था, तो इस बंदे ने पूछ लिया हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग रिज्यूम कहाँ से करें, आप ग्रेजुएट नहीं है, कुछ नहीं, तो उन्होंने आंसर दे दिया बेसिक रिज्यूम करना है। दोस्तों इस पर मैं बात करूंगा, आपको बेसिक रिज्यूम कैसे करना है इस पर वीडियो हमारी आ जाएगी, इसके बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद में उन्होंने कहा है टोकन जनरेशन इवेंट का क्वेश्चन पूछा था, तो टोकन जनरेशन इवेंट अगले महीने में हो रहा है दोस्तों, जून में टोकन जनरेशन इवेंट हो रहा है, तो बस 1 महीने में ये टोकन जनरेट हो जाएगा और हम इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। अभी बहुत सारी जानकारी उन्होंने इनके इस वीडियो में दे दी है, तो इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया है और हमारे ऐप में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया, वेलकम टू बॉन्डेक्स सीजन 1, तो सीजन 1 चालू हो चुका है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करना जरूरी है, ये यहाँ पर लिखा है उन्होंने, तो ये 5 पॉइंट्स तो हम लोग कर लेंगे, कैसे करना है इसकी वीडियो आ जाएगी। रिज्यूम अपलोड करना है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, इसकी भी वीडियो आ जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, वॉलेट कनेक्ट की वीडियो आ गई थी, और आपके रेफरल्स करना है। तो 3 रेफरल्स जो बोल रहा हूँ ना दोस्तों, इसमें 3 रेफरल्स जरूरी है, ये बदलने वाले नहीं है दोस्तों, आज से ही चालू कर लो, 3 रेफरल्स करना जरूरी है। ऐप अपडेट करना है, ऐप अपडेट करने के बाद में नीचे देखो, सबसे नीचे आपको एयरड्रॉप सीजन 1 गेट रेडी नजर आएगा, वहां पर आपको क्लिक करना होता है और आगे के आपके कंप्लीट है या नहीं वो देखना होता है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या, आपके पास 20 बॉन्ड पॉइंट्स होना जरूरी है तो ही आप एलिजिबल हो। दूसरा वाला ये पॉइंट हो गया, 20 से ज्यादा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में 3 रेफरल्स, ये सेकंड पॉइंट है, तो 3 रेफरल्स आपके पास होना चाहिए, कुछ भी हो जाए 3 रेफरल्स करके रखना बॉन्डेक्स में विड्रॉल के लिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद में प्रोफाइल कंप्लीट करना है, तो इसकी वीडियो तो आ जाएगी, बहुत जल्दी कर दूंगा, एक या 2 दिन में रिज्यूम अपलोड की वीडियो आ जाएगी आपकी। उसके बाद में वॉलेट कनेक्ट करना है, ये तो वीडियो आ गई, हमने वॉलेट कनेक्ट कर चुका है। ये सब कंप्लीट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर इन ऐसा मैसेज आ जाएगा और आपका ये सीजन 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो जो क्राइटेरिया है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो अभी मैं मेरे ऐप पर लेकर जाके दिखा देता हूँ आपको, मेरे कितने कंप्लीट है, कितने बचे हैं, क्या है उसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखो मैंने मेरा ऐप खोल लिया डैशबोर्ड, यहाँ पर मैंने अपडेट कर लिया, सीजन 1 पर मैं क्लिक करता हूँ, एयरड्रॉप सीजन 1 पर क्लिक कर दिया, तो ऐसा इंटरफेस आ गया, 26 दिन 15 घंटे बचे हैं तो हम लोग कर सकते हैं कंप्लीट। तो ये टास्क है, क्या एलिजिबल करना है, बॉन्ड पॉइंट्स क्या क्या लिखा है, ये सब तो ये करना है। तो देखो नीचे 3 क्राइटेरिया से, ये 3 क्राइटेरिया से कंप्लीट करना है, उसमें से 2 मेरे कंप्लीट है, मिनिमम बैलेंस 20 बॉन्ड पॉइंट्स है मेरे पास, 3 रेफरल्स हो गए हैं, सिर्फ ये वाला मुझे कंप्लीट करना है। तो मैं ये कैसे कंप्लीट करना है इस पर वीडियो बना लूंगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो मेरे 3 कंप्लीट है, इसमें के 2 बचे हैं, रिज्यूम और कंप्लीट प्रोफाइल। तो ये मैं जब करूंगा तो उस वक्त वीडियो बना दूंगा और आपके भी सारे ये कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, चिंता मत करना, 1 या 2 दिन में इस पर डिटेल वीडियो हमारी आ जाएगी। आपका रिज्यूम अपलोड कैसे करना इसकी टोटल जानकारी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, उसके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहीं पे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे हमारे इसी चैनल पर
हमारा रेगुलर टाइम 12:30 PM UTC।